हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को कक्षा 10 के विद्युत चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें आप सभी को प्रतिरोध का संयोजन पढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि प्रतिरोध का जो संयोजन होता है दो प्रकार से किए जाते हैं, एक श्रेणी क्रम में होता है और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम में। ठीक है, आप सभी को पता होगा आपको श्रेणी क्रम में कैसे प्रतिरोध को जोड़ना है, उससे कैसे प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप सभी को पढ़ा चुके हैं। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। आज जो आप सभी को पढ़ाने वाले हैं वो है आपका समांतर क्रम, यानी कि समांतर क्रम में प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है और समांतर क्रम से आपके बोर्ड के एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सभी टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए क्या होता है कि समांतर क्रम में आपको कैसे प्रतिरोध को जोड़ना है, चलिए पहले आपको ये बताते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे तीन प्रतिरोध ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, तीन प्रतिरोध इस तरह ले लेते हैं और समांतर क्रम में इसको इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह तीन प्रतिरोध ले लिया आप। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बैटरी ले लेंगे और इस बैटरी को इससे यहाँ आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ लिए। अब देखिए जोड़ने के बाद यहाँ पे आप नाम दे दीजिए कि ऊपर वाला R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये जो वोल्टेज है क्या है, ये वोल्ट है। जो बड़ी लाइन होता है क्या होता है, प्लस होता है और छोटी वाली लाइन माइनस को दिखाता है और इसमें पढ़ने वाली धारा क्या है आपका, I है। ठीक, देखिए आज आपको समांतर क्रम ही पढ़ाने वाले हैं, श्रेणी क्रम आपको कल पढ़ा चुके हैं, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, तब आपको जाके समांतर क्रम समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये आपको परिपथ बन गया। जब ये परिपथ बन जाएगा तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, चलिए इधर खींच लेते हैं और ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे इस चीज़ को जब आप बना लिए हैं तो इसमें देखिए क्या समान होता है, क्या भिन्न भिन्न होता है, कैसे प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, उस चीज़ को देखिए। देखिए धारा मान लीजिए यहाँ पे बह के आ गया, ये धारा फ्लो हुआ। जब ये धारा यहाँ पे आएगा तो ये धारा आपका क्या हो जाएगा कि प्रत्येक शाखा, देखिए तीन शाखाएँ यहाँ से निकल रही हैं तो प्रत्येक शाखा में यहाँ पर धारा आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जब धारा आएगा तो ये मान लीजिए आपका आई हो जाएगा, या आई ना मान के यहाँ पर कैपिटल आई मान लीजिए, I1 हो जाएगा, ये I2 इसमें आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो धारा आई आ रहा है तीन शाखाओं में ये धाराएं बढ़ जाएगी, या तीन शाखाओं में क्या हो जाएगा आपका धारा बढ़ जाएगा। अब जो तीन शाखाओं में धारा बढ़ गई तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे आप पहला पॉइंट करके इसमें कि समांतर क्रम में, समांतर क्रम में धारा भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न इसको याद रखिएगा होता है। तो इस पॉइंट को एकदम नोट कर लीजिए, तब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुविकल्पी के लिए, ये बोर्ड के एग्जाम में बहुविकल्पी के रूप में यह प्रश्न पूछा जाता है कि समांतर क्रम में क्या भिन्न भिन्न होता है या क्या अलग अलग होता है, तो आपको होता है धारा। समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर अगला देखिए, समांतर क्रम में वोल्टेज जो होता है समान होता है, समान होता है, यानी कि आपका वोल्टेज क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, देखिए वोल्टेज समान क्यों होता है, देखिए भी है इसके क्रॉस भी क्या होगा आपका, भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, भी वोल्टेज ही होता है। ये चीज़ समझ में आना चाहिए, यह भी आपसे बोर्ड के एग्जाम या बहुविकल्पी के रूप में पूछा गया है कि समांतर क्रम में क्या समान होता है, तो समांतर क्रम में आपका वोल्टेज समान होता है। साथ में आपसे पूछता है कि समांतर क्रम में क्या भिन्न भिन्न होता है, तो भिन्न भिन्न आपका क्या होता है, धारा भिन्न भिन्न हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है कि आप लिखेंगे परिपथ है आपका, ये क्या कहलाएगा आपका परिपथ, यहाँ लिखेंगे परिपथ में, परिपथ में प्रतिरोध जो है R1, R2, R3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, R1, R2, R3 जुड़ा है। ठीक, अब देखिए जब ये परिपथ प्रतिरोध तीन को आप जोड़ दीजिए, R1, R2, R3 जुड़ा है, अब इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध में
प्रतिरोध में धाराएं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, धाराएं लिखिएगा, धाराएं I1, I2, I3 प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। हो गया इतना, कितना धारा I1, I2, I3 धारा प्रवाहित हो रहा है। फिर इसके बाद देखिए आप क्या लिखेंगे, ठीक है, कि प्रत्येक परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध लिखिए, प्रत्येक प्रतिरोध एक क्रास मतलब समांतर या हिंदी में इसको बोलते हैं पासरो बोलते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक प्रतिरोध के एक क्रास क्या होता है आपका, वोल्टेज समान होता है, जो कि ऊपर लाइन में पहले बता चुके हैं आपको। यानी प्रत्येक प्रतिरोध के एक क्रास में आपका वोल्टेज क्या होगा, एक समान होगा, उस वोल्टेज को आप दिखा सकते हैं भी। अब ये बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये धारा है आपका, यही धारा I1, I2, I3 में बटा है, तीन बराबर भाग में बटा है। तो ये जो धारा होगा इन सभी धाराओं की योग के बराबर होगा। इसका मतलब इसमें कुल धारा कितना हो जाएगा आपका, कुल धारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी कि जो ये धारा आपका आई, यही धारा क्या हो जाएगा, I1, I2, I3 के योग के बराबर हो जाता है। ये समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। यदि किसी प्रकार का डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत आप लिख सकते हैं, उसका आंसर हम अभी दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिए ओम के नियम के अनुसार आपको पता होगा, ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम से लिखेंगे तो क्या होता है ओम का नियम, कि देखिए धारा ज्ञात करना रहता है तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी बटा के आर लिख सकते हैं। यदि धारा आपको ज्ञात करना है तो ओम के नियम से ये आपको पता होना चाहिए, ओम के नियम से जब धारा ज्ञात करना है तो आई बराबर होता है वी बटा के आर होता है। आप सभी को इतना जितना पॉइंट बताएं क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आई बराबर वी बटा के आर होता है, तो देखिए यहाँ पे आपको आई वन का मान निकाला रहेगा तो वी बटा के आर वन हो जाएगा, इसलिए वोल्टेज जब समान है यहाँ क्या हो जाएगा, वी बटा के आर वन, आई टू की जगह पे वी बटा के आर टू हो जाएगा, आई थ्री की जगह पे वी बटा के आर थ्री हो जाएगा। इसलिए कि धाराएं अलग अलग है लेकिन वोल्टेज एक जैसा है, तो हम इस आई की जगह क्या लिख सकते हैं, इस आई की जगह लिख सकते हैं हम वी बटा के आर लिख सकते हैं, इस आई वन की जगह क्या लिख सकते हैं वी बटा के आर वन लिख सकते हैं, इस आई टू की जगह क्या लिख सकते हैं वी बटा के आर टू लिख सकते हैं। देखिए I1 है R1 हो जाएगा, I2 है R2 हो जाएगा, इसी तरह I3 की जगह क्या लिख सकते हैं, वी बटा के आर थ्री लिख सकते हैं। हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे भी यानी कि भी क्या है इसमें आपका कामन है ना, जब यहाँ पे भी आपका कामन है तो देखिए क्या करेंगे, भी ले लीजिए, देखिए यहाँ से तीनों में भी कामन है, यहाँ से क्या हो जाएगा, वन अपन आर वन हो जाएगा, वन अपन आर टू हो जाएगा, वन अपन आर थ्री हो जाएगा। जब भी कामन ले लेंगे ऊपर से, देखिए भी है तो भी आप कामन ले लेंगे तो यहाँ पे एक बटा का आर वन, एक बटा का आठ, एक बटा आर थ्री हो जाएगा। अब देखिए भी से भी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, एक बटा के आर बराबर एक बटा के आर वन, वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री लिख सकते हैं। और यही जो आपका ज्ञात होगा ये समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध हो जाता है, ये क्या है आपका, कुल प्रतिरोध है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इस फार्मूला को कैसे सिद्ध करके, इस फार्मूला को सिद्ध किया जाता है। और बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आपको बोर्ड के एग्जाम में इससे संबंधित फार्मूला सिद्ध करने के लिए दे देता है, या इसके अलावा आपसे बहुविकल्पी जो ये पॉइंट बता है ये पूछ लेता है, साथ में आपको ये न देगा तो इसके स्थान पर आपको सवाल पूछ लिया जाता है कि इससे संबंधित आप सवाल हल करके बताइए कि इसका सवाल क्या हल होगा। तो बताइए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, तो इस पर कुछ संबंधित आपसे सवाल हल करा देते हैं जिससे आपको यह टॉपिक क्लियर हो जाए कि किस टॉपिक से कैसे इससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। देखिए ये सवाल आपके सामने है ना, ये समांतर क्रम में इसको हल करके बताते हैं आप कैसे हल करेंगे। देखिए आप लिखा ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, इस तरह बोर्ड के एग्जाम में आपको प्रश्न दे दिया जाता है और पूछ लेता है कि इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता है कि तुल्य प्रतिरोध को ये क्या बोलते हैं, कुल प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कन्फ्यूजन मत रहिएगा एकदम। अदा तुल्य प्रतिरोध को किस नाम से जाना जाता है, तुल्य प्रतिरोध को कुल प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसको आप ज्ञात करना है, तो पहले नंबर पर देखिए 4 ओम और 6 ओम किस क्रम में, देखिए ये समांतर क्रम में है कि नहीं, देखिए आपको समांतर क्रम का भी फार्मूला सिद्ध करके बताए हैं,
ये समांतर क्रम में है, आपको क्या करना है कि बस इसको हल कर सकते हैं। देखिए हल कैसे करेंगे, तो स्टेप टू स्टेप सीखते जाइए। किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में आप जरूर लिखिए। यहाँ पे देखिए जब आप लिखेंगे तो आर वन को मान लीजिए, पहले आर वन मान लीजिए, चार ओम मान, देखिए ये जो इस तरह बना रहे हैं ना, ये सिंबल इसे पढ़ा जाता है, ओम पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है इसे? ओम पढ़ा जाता है, ये जानते रहिए आप। देखिए यहाँ पे आर टू क्या है आपका, छः ओम, ये सिंबल है ओम का, ठीक। अब इसका कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो फार्मूला को समांतर क्रम में रहता तो कैसे जोड़ते हैं, एक बटा के आर वन प्लस एक बटा के आर टू, ठीक। अब यहाँ मान रख के केवल हल कर लीजिए। देखिए हल करते हैं, आर वन का मान कितना है चार, आर टू का मान कितना है छः, आपको पता है कैसे हल करेंगे, ये भिन्न का जोड़ हो गया तो चार और छः का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, चार और छः का एलसीएम 12 होता है। जिसको एलसीएम नहीं निकालने आता होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। देखिए आप क्या करते हैं, चार का भाग 12 में देंगे 3 होगा, चार तीन 12, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 6 का भाग 12 में देंगे 2 होगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 3 और 2 जोड़ेंगे 5 बटा के 12 हो जाएगा, यानी 1 बटा के आर, 1 अपन आर का मान कितना हुआ 5 बटा के 12। लेकिन देखिए अभी तक आपका आंसर नहीं आया है, इस पर लिखेंगे 5 बटा के 12। अभी तक आपका आंसर नहीं आया, इतना भी छोड़ कर मत चले आइएगा। देखिए आपका आंसर क्या होगा, इस आर को क्या करेंगे पलटेंगे, यानी इस आर को ऊपर ले जाएंगे तो आर ऊपर जाएगा, तो देखिए इधर का भिन्न पलट जाता है, यानी कि 5 बटा के 12 लिखा था कितना हो जाएगा 12 बटा के 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 बटा के 5 हो जाएगा। अब जाके ये आपका कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया है, और यहाँ पे आप ओम लिखना मत भूलिएगा, मात्रक जरूर लिखिएगा। इस तरह आप समांतर क्रम में प्रतिरोध को आसानी से जोड़ सकते हैं। इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा, देखिए इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा तो एक बहुविकल्पी प्रश्न आपसे बता देते हैं साथ में, कि समांतर क्रम में आप कराता है तो कैसे बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछता है, उसको भी आप जरूर यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए आप इसे कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताते हैं। देखिए यहाँ पे पहले इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए बहुविकल्पी प्रश्न इस प्रकार से पूछता है, जैसे आप कहेगा सवाल में कि आर वन कामा आर टू दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब देखिए आर वन आर टू दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, अब आपको ऑप्शन दे देगा। देखिए ऑप्शन कैसे देगा, ऑप्शन देगा इस प्रकार से कि आर वन आर टू बटा के आर वन प्लस आर टू दे देगा। दूसरा ऑप्शन आपका बहुविकल्पी बना देगा, देखिए दूसरा ऑप्शन इस तरह बना सकता है कि आर वन प्लस आर टू होगा, आर वन प्लस आर टू। तीसरा ऑप्शन यहीं पे बना देगा आपसे कि इस तरह कर देगा, आर वन प्लस आर टू बटा के आर वन प्लस आर वन इंटू आर टू। चौथा ऑप्शन आपका बना देता है, ये पूछा गया प्रश्न है बोर्ड की एग्जाम में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि वन अपान आर वन प्लस आर टू कर देगा, और पूछेगा इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है। देखिए आप इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको सिखा देते हैं पूरा दम। एक भी सवाल इस वीडियो के देखने के बाद समांतर क्रम से आपका बाहर नहीं जाएगा, तो इस सवाल को एकदम ध्यान से देख लीजिए आप। देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपान आर, तो वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। अब देखिए समांतर क्रम का फार्मूला यही है। अब देखिए यहाँ पे अंक तो है नहीं कि आप आर वन आर टू का एलसीएम निकालेंगे, आप क्या करेंगे तिरिया गुणा करेंगे, आर टू का गुणा एक में करेंगे, यानी इसका गुणा इधर कीजिएगा, आर टू का वन में करेंगे तो आर टू हो जाएगा, प्लस आर वन का इधर करेंगे तो आर वन हो जाएगा, और फिर नीचे का नीचे गुणा कीजिएगा, आर वन का आर टू में आर वन यहाँ पर क्या हो जाएगा इनटू में आर टू हो जाएगा। अब देखिए कितने भी छात्र होते हैं क्या करते हैं बोर्ड के एग्जाम में क्या गलतियाँ करते हैं, ये जैसे ही आया वैसे ही ये वाला ऑप्शन लगा के चले आएंगे सब, ये तुरंत ऑप्शन लगाएंगे, कहेंगे एकदम खुश हो जाएंगे कि मेरा सवाल सही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, यही बड़ी गलती करते हैं, यही आपका यहाँ पर गलती हो जाता है, आपका ऑप्शन ये नहीं होगा। देखिए अभी सवाल आपको हल करके बताएं क्या बताएं कि इस आर को ऊपर भेजा जाता है, इसलिए कि यहाँ पर पूछा है आपका प्रतिरोध कितना होगा, इस आर को ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आर हो जाएगा, जब ये आर ऊपर जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि इधर का भिन्न आपका पलट जाता है, तो आर वन आपको ऊपर चला जाएगा, आर टू ये हो जाएगा। यहाँ पे इसको क्रम से लिख लीजिए, आर वन को पहले आर टू के बाद में, इसलिए कि आपको पता है कि प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इस क्रम में लिख रहे हैं, आर वन के बाद आर टू लिखना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आप क्या हो जाएगा, ये आपका होगा, और इसे आप याद भी कर लीजिएगा कि आर वन का क्या होता है, आर टू अपन आर वन प्लस आर टू होता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से लगाएगा, पेपर में यही प्रश्न आपका दिया था, ठीक है।
ये था आपको समांतर क्रम से संबंधित, आपको सीरीज क्रम आपको बता चुके हैं। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं, उसको जाके पहले आप देख लीजिए, फिर इसके बाद आप इसको देख लीजिएगा समांतर क्रम में कैसे इसको जोड़ा जाता है, इससे संबंधित कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ में उसको भी आपको बता चुके हैं। आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि ये कैसा आपको लगा। फिर इसके बाद यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए।